असलकुम प्यारे बच्चों आज हम वज़न के मुतालिक महूमत हासिल करेंगे हम रोज़ाना गेहूँ चावल दालें इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें हम दुकान से ख़रीद कर लाते हैं दुकानदार हमें ये चीज़ें तराजू में तोल कर देता है दुकानदार के पास कुछ वज़न के नाप होते हैं जिनकी मदद से वो वज़न करता है आज हम उन्हीं की मालूम हासिल करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों ये वो नाप हैं जिनकी मदद से दुकानदार वज़न करता है जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे एक किलोग्राम को अब आप सोच रहे होंगे एक किलोग्राम को हम पहले क्यों देखेंगे क्योंकि एक किलोग्राम ये वजन की मियारी इकाई है इसी से वज़न मालूम किया जाता है जैसे किसी चीज़ का वज़न मालूम करना है तो हम क्या कहते हैं ये कितने किलो की है दस किलो की पंद्रह किलो की किलो की वजह से इसे मैार बनाया गया है तो एक किलोग्राम के बाद इससे बड़ा नाप होता है दो किलोग्राम का उससे बड़ा पाँच किलोग्राम का उससे बड़ा दस किलोग्राम का बीस किलोग्राम के भी नाप होते हैं प्यारे बच्चों एक किलोग्राम से छोटा नाप देखने से पहले हम देखेंगे कि एक किलोग्राम ये कितना होता है एक किलोग्राम में होते हैं हजार ग्राम जी हाँ एक किलोग्राम हजार ग्राम का होता है तो इससे छोटा जो नाप होता है वो होता है पाँच सौ ग्राम का तो उसे हम कहते हैं आधा किलोग्राम आधा किलो आप चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार इसी पाँच सौ ग्राम के नाप से आपको आधा किलो चीज़ नाप कर तोल कर देता है आधा किलो से छोटा होता है 200 ग्राम 200 ग्राम के बाद 100 ग्राम और ये 50 ग्राम 50 ग्राम को छटाँग भी कहते हैं बच्चों आपकी वालदा ने आपको कभी कहा होगा कि एक पाव शक्कर दाल या कोई चीज़ लाकर दे अगर आपके उस वक्त एक पाव नहीं समझ में आया है तो आज हम आपको बता देते हैं कि एक पाव कितना होता है बच्चों एक पाव होता है 250 ग्राम का जी हाँ 250 ग्राम यानी ढाई सौ ग्राम को कहते हैं एक पाव जब दुकानदार हमें कोई चीज़ एक पाव देता है तो उसमें वो एक 200 ग्राम का नाप डालता है और एक 50 ग्राम का तो हो जाते है ढाई सौ ग्राम इसे कहते हैं एक पाव अगर 200 ग्राम का नाप ना हो तो वो 100 सौ के दो नाप रख कर उसके साथ 50 ग्राम का एक नाप रखता है तब भी हो जाते हैं ढाई ग्राम यानी एक पाव बच्चों आपने 50 ग्राम का नाप तो देख लिया 50 ग्राम से छोटे भी नाप होते हैं अब हम 50 ग्राम से छोटे नाप देखते हैं ये देखिए है। ये है पचास ग्राम से छोटा नाप यह है बीस ग्राम का इससे छोटा है दस ग्राम का इससे छोटा है पाँच ग्राम का और यह दो ग्राम का और यह है सबसे छोटा एक ग्राम का नाप वज़न समझने के लिए हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं और तराजू की मदद से इन नापों का मुआजना करते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए हम एक पलड़े में सबसे पहले रखने जा रहे हैं एक किलोग्राम के नाप को यह हमने एक पलड़े में एक किलोग्राम का नाप रखा ये पलड़ा झुक चुका है हम सबसे पहले देखेंगे कि एक किलोग्राम के बराबर अगर हम 500 ग्राम के नाप रखते हैं तो हमें कितने नाप लगेंगे तो हमने पहला नाप रखा पाँच ग्राम का तो अभी ये बराबर नहीं हुआ अब दूसरा नाप रखते हैं दूसरा नाप हमने रखा तो देखिए अब ये दोनों पलड़े हो गए हैं बराबर यानी दो पाँच ग्राम के नाप रखने पर ये एक किलोग्राम का जो पलड़ा है वो पाँच ग्राम के दो नाप वाले पलड़े के बराबर हो गया पाँच ग्राम के दो नाप होते हैं एक हज़ार ग्राम तो एक हज़ार ग्राम दोनों जगह हो गए इसलिए ये बराबर है चलिए दूसरे नाप रखते हैं अब आप बताइए कि दो सौ ग्राम के हम कितने नाप रखेंगे तो ये एक किलोग्राम के बराबर होंगे आ, जी हाँ 200 ग्राम के हम रखेंगे पाँच नाप तो पाँच नाप पर ये 200 ग्राम हो जाएंगे एक हज़ार ग्राम तो एक हज़ार ग्राम होने पर ये होंगे एक किलोग्राम के बराबर तो बताइए सौ ग्राम के कितने नाप रखेंगे सौ ग्राम के हम रखेंगे दस नाप तो ये होंगे एक हज़ार ग्राम एक हजार ग्राम यानी एक किलोग्राम उम्मीद है आप एक किलोग्राम का वज़न समझ गए होंगे हम आइंदा वीडियो में इन अवज़ान को और समझेंगे इसलिए हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस भी देखिए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया